ये देखो चिकन कप्सा राइस बड़े थाल में, मैं तो ऊपर बैठ के खाऊंगी, इसके लिए ये मिनी थाल मेरे लिए बनी है इधर। बता तुम्हारे काम। ये देखो चाबी मेरे पास थी, उन्होंने भूल गए, और इतना अच्छा ताला, इतना मजबूत ताला है ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनवर सोनू व्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हो और रेडी तो दिख रहे? रेडी दिख रहे, देखो अभी जाने की तैयारी में। हाय, चले अभी हम लोग आसिफ के, आसिफ के घर। तो अभी जा रहे क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर्स भी वहाँ है, तो मेरा भी अंदर से हो रहा था और उसने भी फोन किया, आ तू सब है तो तू भी आ बोल के। तो अभी अनु लेके जा रहे हैं, और ये देखो गाजर का हलवा भी पैक कर लियो। हाँ, मुंह तक ला पूरा मैं। ये देखो बंदे बंदे आधा प्लेट में निकाल के खा लिया। हाँ, डैडी ने। अनु खाते रहते हैं, बंदे बंदे भी खाते। तो मैं ही बनाता तो मैं ही खाऊंगा। आए बड़े, ठीक है चलो, तो फिर चलो मिलते। निकल गए हैं मासी मामू के यहाँ। देखो डैडी ड्राइव कर रहे हैं, मम्मी कार में ही एडिटिंग कर रहे हैं। मम्मी काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं मम्मी डैडी ब्लॉग के लिए। अभी हम लोग आसी मामू के यहाँ मिल के आपको बता दे। मान आ गया आसिफ के यहाँ, और यहाँ देखो खाने में क्या बना है। इडली, इडली सांबर चटनी देखो, और देखो अनु काम में बिजी। आओ सब खाने। अरे आसिफ ये देखो पिज्जा नाश्ता कर रहा है। किसने लाया ये पिज्जा? अरमान ने लाया। सैंडविच इडली मोना दी ने बना के दी हम लोग को। ऐसा खाओ, ऐसा सैंडविच। हाँ खा ले, चलो इसमें कौन कौन खाएगा पिज्जा बता चल जल्दी। सिर्फ और सिर्फ अरमान नहीं, मैं भी। हाँ फिर इतने लोग आराम से खा सकते। ये है चिकन कप्सा राइस जो मेरी छोटी बहन मोना ने बनाई है आसिफ के घर पे। अभी हम लोग बैठ रहे खाना खाने, तो आओ सब खाना खाने। अरसलान ओए, मोना दो मिनट रुक गया चीटी खाने। ये देखो चिकन कप्सा राइस बड़े थाल में, मैं तो ऊपर बैठ के खाऊंगी, इसके लिए ये मिनी थाल मेरे लिए बनी है इधर। ये देखो ये लोग बैठे हैं इंतजार में, ये अभी आई है बनके, तो आओ सब खाना खाने। चलो देखो एक ही थाल में माशाल्लाह सब खा रहे हैं। शाजिया का भी हाथ आने देना, शाजिया का हाथ आगे नहीं आया। चलो एक थाल में माशाल्लाह सब खा रहे हैं। ये खाना ऐसे ही खाने में मजा आती है ना। ये लोगों नहीं खाना खाने का, दोनों फोन में है। मस्त बना है एकदम, वही खा रहे हैं। हाँ भाई के घर पे आने दावत चाहिए क्या, वो पूछ रहा है मेरे, क्योंकि मैं रुक रही नहीं हूँ, लोग मेरे को बहुत रुखा रहे। मैं अभी खाना खा के जा रही हूँ। खड़े हैं ऑटो के लिए क्योंकि अनु तो आए नहीं। आ गई है ऑटो से, और ये आया है पप्पू को छोड़ने के लिए। हेलो मम्मा, अल्लाह हाफिज बोलो। अल्लाह हाफिज, चलो टाटा अल्लाह हाफिज। निकल गए आसिफ के घर से, आवाज थोड़ी कम आई। जा रहे बहुत लेट हो गया ना, रुका दियो लोग खाने के लिए, इसके लिए रुक गई। नहीं तो मैं तो खाली ऐसी मिलने ही आई थी, तो अनु भी फिर बोले रुक जाओ लोग इतना बोल रहे, तो इसके लिए अभी हो गया खा पी के, अब हम लोग निकल रहे हैं, तो मिलते हैं घर पे। चलो ठंडी इतनी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। अच्छा
आया था वो ना फिर मेरे को ठंडी होती है, उसको ठंडी पड़ता है कि अब मुझे भी बहुत ठंडी हवा चल रही है, मेरे को तो ठंडी ही नहीं लगती है उसको देखो। मैं और मुझे और अरमान को बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। चलो एंजॉय करते हैं ठंडी। दिख रहा है ये ताले का हाल क्या हो गया है, चलो इसकी स्टोरी मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ। आ गई हूँ मैं तो आसिफ के घर से, आ गई हूँ मैं आसिफ के घर से। अन्नू पहले बताओ तुमने क्या करे, चश्मा जल्दी बताओ पहला। अरे चाबी तेरे पास थी, ये देखो इसका नया स्पेक्स बन के आया है। बताओ 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 तुम्हारे काम। ये देखो चाबी मेरे पास थी, उन्होंने भूल गए। और इतना अच्छा ताला, इतना मजबूत ताला है ये। कैसे काटे, कैसे काटे पहले बोलो। वो ग्राइंडर मशीन दोस्त को बुलाया, मैं बोली चाबी बनवा दो। और आज ऐसा डे था कि एक्टिवा की चाबी भी घर में ही रखी हुई थी, और सेकंड रो जो रूम की चाबी थी वो भी घर में ही थी, और जो एक चाबी थी वो मैं लेके गई थी। तो नया ताला भी आ चुका है हमारे पास। ये भी वही देखो क्या क्या करके बैठते अन्नु, देखे क्या करके बैठे अन्नू ने। अभी खा रहे है खाना, खाना खाएंगे अभी बैठ के। और उनकी साली ने भेजी है, बनाई आसिफ के यहाँ वो चिकन केप्सा राइस और चिकन मंडी, बहुत अच्छी बनाती है। देखूंगी उससे रेसिपी पूछ के, मैं ट्राई नहीं करूंगी, मैं उसको ही बोलूंगी बनाने, क्योंकि मैंने आज तक बनाई नहीं, मैंने खाली उसको ही बोली हूँ हमेशा। हाँ वो टर्न बाय टर्न सबके यहाँ जा रही है ना, सवा महीना हो गया तो सब भाई बहनों के यहाँ जा रही है। तो पहला बड़ी बहन के यहाँ गई, फिर आसिफ के पास गई, फिर मेरे यहाँ आएगी, क्योंकि मैं ज्यादा घर में रहती नहीं, इसलिए मैंने उसको लास्ट ऑफर दी। तो इंशाल्लाह आएगी, और वहाँ पे भी व्लॉग इतना कुछ बना नहीं पाई, क्योंकि जब चार भाई बहन मिल गए तो सोचो आप क्या होगा, खाली गॉसिप होगी, मस्ती होगी, एंजॉय होगा। तो वही करे हम लोग ने फिर छोड़ गया। हाँ इसलिए अनु भी छोड़ गए, वो बोले चलो तुम लोग अपना टाइम स्पेंड करो। फिर हम लोग वहाँ बाजार भी गए, वहाँ जुमेरात बाजार लगा था, बट वो शूट करना भी मैं भूल गई, बहुत ज्यादा क्राउड था, क्योंकि कल संक्रांति है तो उसी के वजह से वहाँ अच्छा खासा बाजार लगा हुआ था। और सब लोग को आपको एडवांस में, आज तो लोहरी है तो आप सबको लोहरी मुबारक, हैप्पी लोहरी। और कल जो है पोंगल है ना, पोंगल और संक्रांति, तो आप सब लोगों को भी एडवांस में हैप्पी पोंगल, हैप्पी संक्रांति। और गुजराती लोग बोलते हैं उत्तरन, हैप्पी उत्तरन, हम लोग सबको बोल दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग को भी अच्छा लगता है, ऐसे त्योहार आते हैं, इंजॉय करते हैं, है ना, जो चीजें साल भर देखने नहीं मिलती तो ऐसा फेस्टिवल्स में हम लोग को देखने मिलती। जैसे आज मैं बाजार गई तो तिल गुड़ हो गया, हर भरे चने, क्या क्या देखे हम लोग ने। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे आप लोग सब खुश रहो और ऐसी फेस्टिवल्स इंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ रहो। और क्या बोलते हैं अनु, सबकी दुआ ऐसी रहे, ऐसी रहे हमारे साथ भी, आपके साथ भी, है ना। तो आप लोग ये व्लॉग एंजॉय करो, और इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड हिट द बेल आइकन। हम सबको दुआओं में याद रखो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।